अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन. बच्चों आज हम पढ़ेंगे हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज. दिस इज आवर एनवायरमेंटल स्टडीज बुक एंड आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 एंड आवर चैप्टर नंबर 12 नेम इज एनिमल्स वर्ल्ड. तो बच्चों आइए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में. We see many kinds of animals around us. हमारे आसपास हमें बहुत तरीके के animals यानी जानवर दिखते हैं. Land animals. बच्चों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन पर land पर रहते हैं. आइए जानते हैं उन animals के बारे में. Animals like horses, dogs, cows and rabbit live on land. तो बच्चों जो जानवर जमीन पर जो land पर रहते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हॉर्सेस, डॉग्स, काउज एंड रैबिट्स. दे आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स. इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम लैंड एनिमल्स. नाउ विल कम टू अवर नेक्स्ट हेडिंग, वाटर एनिमल्स. बच्चों कुछ जानवर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं. दे लिव इन वाटर. पानी में रहते हैं. एनिमल्स लाइक फिश, व्हेल्स, शार्क्स एंड ऑक्टोपसेस लिव इन ओनली वाटर. ये सिर्फ पानी में ही रहते हैं. दे आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स. इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं हम वाटर एनिमल्स. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट हेडिंग. दिस इज आवर नेक्स्ट हेडिंग, एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. बच्चों हमारे आसपास कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो लैंड और वाटर पानी और जमीन दोनों पर ही रहते हैं. और वो एनिमल्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? आइए जानते हैं उन एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, टॉर्टोइस, डक्स एंड क्रोकोडाइल्स लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. सो लैंड एंड वाटर एनिमल्स कौन कौन से हैं बच्चों? ये हैं फ्रॉग्स, टॉर्टोइजेस. फ्रॉग्स मेंढक, टॉर्टोइजेस कछुए, डक्स और क्रोकोडाइल. ये रहते हैं कहाँ? लैंड एंड वाटर दोनों में. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 40. सम एनिमल्स आर वाइल्ड एनिमल्स. दे लिव इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एरिया. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं. उन्हें हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. आइए जानते हैं उन वाइल्ड एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स लाइक लायंस, मंकीज, एलिफेंट्स एंड जिराफ्स लिव इन जंगल. ये कहाँ रहते हैं बच्चों? ये रहते हैं जंगल में. दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम कहते हैं वाइल्ड animals. Now we'll come to our next heading. Our next heading is pet animals. Our next heading is pet animals. Let's read it out. Some animals like dogs, cats, rabbit live in or around our home. ये कुछ ऐसे जानवर हैं बच्चों जो हमारे घर के आसपास रहते हैं. They are called pet animals. इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम pet animals कहते हैं. We must take care of our pet animals. हमें अपने pet animals की care करनी चाहिए. In the following ways. आइए जानते हैं हम इन pet animals की कैसे take care कर सकते हैं और इनको कैसे help कर सकते हैं. We should give them clean water and food. हमें इन्हें साफ पानी और खाने के लिए खाना देना चाहिए. वी शुड प्रोवाइड देम अ गुड शेल्टर. हमें इन्हें एक सुरक्षित जगह रहने के लिए भी देनी चाहिए. वी शुड नेवर टीज देम. हमें इन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए. वी शुड ट्रीट देम विद लव एंड केयर. हमें इनके साथ बहुत ही प्यार से रहना चाहिए. नाउ We'll come to our next heading. Our next heading is birds. This is our next heading. Birds. We'll read it out.
बर्ड्स आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. बर्ड्स कौन होती हैं बच्चों? जो हवा में उड़ सकती हैं, विच कैन फ्लाई, आर नोन एज बर्ड्स. उन्हें क्या कहते हैं? बर्ड्स. बर्ड्स हैव विंग टू फ्लाई इन द एयर. बर्ड्स के पास पंख होते हैं, यानी विंग्स होते हैं हवा में उड़ने के लिए. नाउ विल कम टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 41, एंड आवर नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट्स. विल रीड इट आउट. इंसेक्ट्स आर वेरी स्मॉल एनिमल्स. इंसेक्ट्स बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं. मोस्ट इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स. मोस्टली इंसेक्ट्स के पास सिक्स लेग्स होते हैं. हमारे पास दो लेग होते हैं. मोस्टली लैंड एनिमल्स के पास फोर लेग्स होते हैं, एंड इंसेक्ट्स के पास सिक्स लेग्स होते हैं. सम इंसेक्ट्स हैव विंग्स टू फ्लाई. कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं हवा में उड़ने के लिए, एंड दे आर बटरफ्लाई, आंट, लव्स एंड हाउसफ्लाई. दे ऑल आर इंसेक्ट्स. तो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, एनिमल वर्ल्ड. आई होप आप सबको एनिमल वर्ल्ड चैप्टर समझ में आया होगा एंड यू हैव एंजॉयड इट. तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 12. नाउ वील डू आर बुक एक्सरसाइजेस. वो हम करेंगे अपनी क्लासरूम में. तो ये थी बच्चों आज की आपकी EVS की क्लास. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.